नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी फिजिक्स का क्लास हम कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल पे आपको आने का मतलब होता है कि कुछ हटके करना, कुछ अलग करना, ठीक ना। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं या बहुत सारे ऐसे जगह आप पढ़े भी होंगे जहाँ पर प्रिपरेशन या तैयारी कंपटीशन कराया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आने का मकसद कुछ और हो जाता है। क्योंकि आप अगर ध्यान से सुना, आप अगर हमसे शुरू दिन से या कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन हो गया होगा मतलब करने का, ठीक ना, अगर ज़्यादा दिन से जुड़े होंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ देखने के लिए मिला होगा, ठीक ना। दोस्तों हम हमेशा ये बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने प्रिपरेशन को कैसे एक अच्छा स्कोर तक ले जाना है, एक अच्छा तैयारी कैसे करना है, एक अच्छा रणनीति कैसे बनाना है। देखो, सिर्फ हमको पढ़ाने का मतलब होता है तो हम कोई भी सब्जेक्ट आते आपको पढ़ा देते हैं। हम आपको ये ज़्यादा सिखाते हैं, पढ़ाने ज़्यादा उन चीज़ों पर ज़्यादा हम फोकस डाल रहे हैं कि बुक को कैसे रीड करना है, बुक को कैसे रीड करना है, इसको कैसे पढ़ना है। दूसरा बात दोस्तों, नोट्स बनाना जरूरी है। तीसरा बात की रिवीजन, आपका रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। चौथा बात की टेस्ट को लगाना चाहिए। अब वो बुक में भी बहुत सारे बुक है जो आपको जीके जीएस के अंदर आता है और मैथ रीजनिंग आता है और करंट अफेयर। हम ये बताते हैं कि कैसे प्रत्येक दिन आपको प्रत्येक सिलेबस को कम से कम कोशिश करो 2 से 3 सिलेबस एक दिन में फॉलो करें, उसको क्लियर करें। फिर अगले दिन जब पढ़ेंगे उसको पहले रिवीजन कर लेंगे, जो आज हम पढ़ें उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे अगले दिन अगला सब्जेक्ट, यानी कि अगला टॉपिक, ठीक ना। हम ज़्यादा इन चीज़ों पे जोर देते हैं, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आने का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा हटके करना है, तभी तो आपको कुछ हटके मिलेगा। अगर आप वैसे ही करते आ रहे हैं तो फिर इस चैनल पे आने का कोई मतलब ही नहीं होता है, समझ रहे ना दोस्तों। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप मैंने कल भी वीडियो जब बना रहे थे, पीएस पढ़ा रहे थे, उसमें हम पढ़ाने से पहले हम आप लोग को टारगेट रख किए थे, यानी कि दोस्तों हम आप लोग को बताए थे कि पहले नोट्स बनाओ, रिविजन करो, फिर टेस्ट लगाओ। दोस्तों अभी हम आपको यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हम हमेशा अलर्ट कर रहे हैं। दोस्तों देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी गलती आप कर रहे थे, उन गलती को याद रखना जरूरी है। अगर कोई गलती आपसे होता है आपके लाइफ में, उतार चढ़ाव जैसे होते रहता है, या फिर प्राइस रिलेटेड, ठीक ना, कोई भी गलती करते हैं तो उसको नोट करके रखो, यानी कि उसको याद रखो, उसको भूलना नहीं है, समझ रहे ना। जब उसको आप याद रखेंगे तभी तो वो गलती आप नहीं दोहराएंगे, और जब कुछ गलती करते हैं तो वहाँ से हमको सीखने के लिए मिलता है। तो आप जो अभी तक गलती करते आ रहे थे कि पढ़ाई करते थे लेकिन नोट्स नहीं बनाते थे, या उसका रिवीजन नहीं करते थे, ये नहीं कर रहे थे और ये नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम इस पर फोकस डाल रहे थे और फिर हम मैन एग्जाम पर जा करके बैठ जा रहे थे, ये चीज आपके सिर्फ आपका समय बर्बाद नहीं कर रहा है, आपको भी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि यहाँ आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है ना, इससे ज़्यादा नंबर नहीं जा रहा है ना, तो एग्जाम तो निकलेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों इस चैनल का मतलब है आपको प्रत्येक हर जो एक मतलब ग्रोथ लेने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ खुद का ग्रोथ बढ़ाने के लिए जो जो आपको उसमें चाहिए विटामिन, उस सारा चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कैसे आपको करना है, कैसे लेना है। ये नहीं कि मेरे चैनल पे आए हैं हम, कभी ये ड्यूटी दिखा रहे हैं, ये ड्यूटी कैसे होता है, फिर एक दिन आए, एक दिन ये सब्जेक्ट पढ़ा दे, चलो आपने कर ले, ऐसा नहीं है। हम बता रहे हैं दोस्तों कैसे आपको मेरे यहाँ तक, यानी कि हम जहाँ खड़े हैं, हम जिस पोजिशन पर हैं, आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है, ठीक ना। ये नहीं है, देखो जैसे आप कोचिंग में जाते हैं, क्या है वहाँ मैथ वाले पर जाते हैं, मैथ पढ़ा दिया जाता है, मैथ पढ़ के आप आते हैं, देन उसके बाद उसका जैसे ही मैथ आपको पढ़ाया जाता है उसका काम खत्म। अब कहीं जीके का पढ़ते होंगे तो उस जीके का क्लास करा के काम खत्म। आपको प्रॉपर तरीके से कैसे आगे बढ़ना है ये बहुत कम जगह आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक ना। और इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, और इन्हीं चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखिए। हम इसीलिए कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो मेरे बातों को गौर कीजिए। हम हमेशा कह रहे हैं, हम आप देखो एक चीज़ और बता रहे हैं, लड़का लोग कमेंट करता है कि भैया आप कैसे तैयारी कर रहे थे, आप कहाँ से तैयारी करते थे, आप कैसे पढ़ते थे, क्या आपका सिलेबस शुरू दिन से ही बढ़िया था, लड़का लोग ये सब कमेंट करता है। तो जो कमेंट करते हैं पर्टिकुलर हम जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम वीडियो में आकर के तो बोल रहे हैं ना कि आप प्रत्येक दिन बुक को फॉलो करो। जीके के अंदर कितना बुक है फॉलो करो, उसको कम से कम एक दिन में 2 किताबें को पढ़ो आप, ठीक है ना। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, ये नहीं किया तो फिर तो बेकार है,
जैसे कि मैंने कल भी बताया था, किताब पढ़ते हैं तो उसको हाईलाइट कर दो जो भी आपका क्वेश्चन पढ़ने लायक है, पूछने लायक है। उसके बाद ये तो बहुत जरूरी है भैया, ये बहुत जरूरी है, इसके बाद इसी का काम है, रिविजन करना है, तभी तो यहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। ये 4 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इसको फॉलो करो, फिर देखो आपका रिजल्ट होगा। स्टेप 1, बुक को रीड करो, ढंग से करो, प्रत्येक दिन कोशिश करो 2 से 3 सिलेबस को पढ़े। हम रीड करने के बाद उसका नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का मतलब, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक हाईलाइट करने के लिए पेन आता है, जो भी बोलते हैं मार्कर, जो भी बोलते हैं उसको, उससे हाईलाइट कर दो उसको। उसके बाद जैसे ही हम रिविजन करेंगे, सुनना ध्यान से, तीसरा पॉइंट है, जैसे ही हम रिविजन करेंगे तो हम पूरा किताब ना पढ़ के हम जो भी हाईलाइट किए हैं, जो भी नोट्स के रूप में बना मेरा, हम उसी को पढ़ेंगे, वही मेरा रिविजन हुआ। तो यहाँ मेरा समय बचा, एक बार हमको फुल समय देना पड़ा, उसके बाद मेरा यहाँ समय बचा, रिविजन किया। अभी तो मजा आएगा ना आगे 4 स्टेप पे। 4 स्टेप पे मजा कब आएगा? ये 3 स्टेप जब आप क्लियर रखेंगे तो ये 4 स्टेप में आपको मजा आएगा। 4 स्टेप जब मजा आएगा तभी तो आप यहाँ पे सिलेक्शन लेंगे, समझ रहे ना। इसीलिए हमसे कोई ये मत पूछो कि आप कैसे पढ़ते थे, क्योंकि हम यही चीज़ तो बता रहे हैं आपको आकर के, हम ठीक ना। तो इन चीज़ों को उम्मीद करके क्लियर करेंगे आप लोग। और हाँ, बहुत सारे लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भैया मैथ का भी क्लास लाइए। देखो, हम चाहते हैं कि आपको इंग्लिश छोड़ के, ध्यान से सुनो, मेरा इंग्लिश नहीं है, ठीक नहीं बोल सकते लेकिन नहीं है, हम क्लियर बोल सकते हैं, मेरा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश छोड़ के हम आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मेरे अंदर इतना क्षमता है। और आप लोग देख भी रहे होंगे, वैसे मैथ का क्लास पहले भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग नहीं देखें देख सकते हैं, ठीक ना। तो हम इंग्लिश छोड़ के और सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं आप लोग को, लेकिन टाइम नहीं रहने के वजह से ये हालत है। कहने का मतलब, कोई एक ही सब्जेक्ट हम आपको अभी फिलहाल दे सकते हैं, लेकिन हाँ, आने वाले समय में कोशिश करेंगे, कोशिश क्या देंगे, मैथ का भी देंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी फिजिक्स को पढ़ो आप, फिजिक्स एक छोटा सिलेबस है, आपका कंपटीशन में जो पूछा जाता है, इसको क्लियर करने के बाद सिर्फ इसमें रिवीजन करने का समय बचेगा आपको। उसके बाद फिर वही मैथ पढ़ेंगे, रीजनिंग पढ़ लेना, और केमिस्ट्री पढ़ लेना, और हिस्ट्री में पढ़ लेना, ज्योग्राफी पढ़ लेना। कहने का मतलब दोस्तों, आपका फिजिक्स जो है छोटा सिलेबस है, ठीक ना, कोशिश करेंगे इसमें बहुत कम समय लेंगे, और जो चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग सामने रखेंगे, ठीक ना। और एक चीज़ मेरे माइंड में चल रहा है जो आज हम आप लोग के सामने रख रहे हैं, ठीक ना, जरा गौर से इस पर कमेंट करना। मेरे माइंड में है कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी होता है कोचिंग खोलें, ठीक ना, कोचिंग यानी क्लास दें आप लोग को, ठीक ना। मेरे जैसे कि कोई भी टीचर्स हैं जो कोचिंग खोलते हैं, कोचिंग चलाते हैं, मेरा भी इच्छा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ कर पा रहे हैं, अगर हम आपको बोर्ड पर आकर के पढ़ा पा रहे हैं, तो इससे आप लोग को जाहिर है पता चला होगा कि इंटरेस्ट है हमको इन चीज़ों में, हमको इंटरेस्ट है। देखो, कोई भी काम करते हैं आप, तो आपसे कोई भी जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। सबसे पहली बात है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं आपको कि बुक को पढ़ो, तो बुक पढ़ने से पहले आपको बुक के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको जानने का इच्छुक होना चाहिए आपको कि नहीं हमको इन चीज़ों को जानना है, तो उसके प्रति आपका इंटरेस्ट जगना चाहिए, समझ रहे ना। उसके बाद आप अपने इसको पढ़ेंगे, आपको मन लगने लगेगा पढ़ने में, आपको किसी को आपको बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं पढ़ो तभी आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, आप अपने से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हमको कितना इंटरेस्ट है इन चीज़ों से, इसीलिए हम चाहते हैं क्या कोचिंग खोलें। तो क्या मेरा, हम जो अभी तक पढ़ाएं आप लोग को, क्या आप लोग संतुष्ट हो पा रहे हैं, क्या मेरा बताने का तरीका सही है, क्या हम क्लियर बता पा रहे हैं, इस पर कमेंट जरूर करना। और खोलना चाहिए कोचिंग भविष्य में या ना खोलना चाहिए, इस पर भी जरूर कमेंट करना, इस पर भी अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों, चैनल को जल्द से जल्द जितना हो सके उतना बड़ा कीजिए, आप सब मिल के, साथ में हम भी, ठीक ना। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, शेयर कीजिए, जितना ग्रुप है सारे ग्रुप में उठा के चैनल को पटक देना है, बाकी बात सामने वाला पे एकदम छोड़ देना, देखा जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।